पिछले दिनों दो चीजों की चर्चा पूरे देश भर में रही, एक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और दूसरा अडानी ग्रुप पर संकट। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई बार अडानी ग्रुप और सरकार पर सवाल उठाए। यात्रा के दौरान का यह वीडियो तो अब वायरल भी हो रहा है। मैं एक बार पार्लियामेंट में जा रहा था और पार्लियामेंट के वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे मेरी दोस्ती है, तो मैंने उन एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? तो उसने मुझे कहा बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा मैंने अदानी के स्टॉक खरीदे और उसने बहुत सारे पैसे बन रहे थे। मगर मैंने सोचा कि वो सैलरीड क्लास का है और ऐसा काम करना उसके लिए काफ़ी रिस्की है, मगर उसको रिस्क नहीं समझ आ रही। बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर लगाए गए आरोपों की विपक्ष संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC जांच की मांग कर रहा है। साथ ही कहा कि अगर ऐसा संभव नहीं है तो इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराई जाए। सभी विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी की नजदीकियों को निशाना बनाकर इस मुद्दे पर बहस चाहती हैं। इसे लेकर संसद में जमकर हंगामा भी हुआ। लगभग सभी विपक्षी दल आसन के पास पहुंच गए, जोरदार नारेबाजी की, कोई भी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके कारण दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित तक करनी पड़ी। हाल ही में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक चली यह यात्रा विपक्षी खेमे को एकजुट करने में नाकाम रही थी। आम आदमी पार्टी जैसे प्रमुख दलों ने इस यात्रा से दूरी बनाई थी। यात्रा की समाप्ति पर दिए गए न्योते में कई विपक्षी दल नदारद रहे। आम आदमी पार्टी को तो इसका न्योता भी नहीं दिया गया था। इससे साफ हो गया कि विपक्ष में खींचतान है। लेकिन दिलचस्प ये है कि अडानी मुद्दे ने इस बिखराव को खत्म कर दिया है। कह सकते हैं कि विपक्ष के जिस बिखराव की राहुल की भारत जोड़ो यात्रा खत्म नहीं कर सकी, वह काम अडानी मुद्दे ने कर दिया। कांग्रेस, आप से लेकर शिवसेना, TRS और वाम दल सबके सुर मिल गए हैं। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है। बता दें कि 24 जनवरी को हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगाया और ग्रुप की सक्सेस को कॉर्पोरेट जगत का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया। इसके उलट ग्रुप ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद और झूठा बताया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।